अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त मैं गवर्नर हाउस में मौजूद हूँ। सेकंड टेस्ट का बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दानियल नागौरी भाई, जो कि इस पूरे प्रोग्राम के सीईओ हैं, से बात करते हैं। दानियल भाई, माशाल्लाह से एक मरतबा फिर हमने देखा कि एक टेस्ट हुआ जो 10,000 बच्चों ने किया और बड़े कामयाबी से। हम तो सोच रहे थे आप कोई पता नहीं इन्विजिलेटर बुलाओगे, उसको चेक करोगे और पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा चेक करने में। मेरे ख्याल है कुछ ही घंटों के अंदर अंदर आपने सारा रिजल्ट भी तैयार करके गवर्नर साहब के हवाले कर दिया। अब ये दूसरा टेस्ट हो रहा है, मेरे ख्याल है दूसरा टेस्ट भी एक आध दो घंटे के अंदर इन तमाम जो 10,000 बच्चे उन लोगों के टेस्ट भी जो है वो आप उसका जो नतीजा है वो हवाले कर देंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चों के जो है वो सवालात हैं, जो जो लोग टेस्ट देकर जा रहे हैं वो अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा उनके लिए क्या मैसेज है वो भी देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, असल में देखें ये सारा जो टीम वर्क है, आपको जो नज़र आ रहा है यहाँ पे टेस्ट चल रहा है और यहाँ तक जो अल्हम्दुलिल्लाह आज इस स्टेज पर आ चुके हैं। फिर आपने देखा जो 10,000 स्टूडेंट टेस्ट देके गए, विद इन 1 आवर मैंने आपको जो है रिजल्ट प्रोवाइड कर दिया। वो जो एफर्ट्स हैं वही हमारे साथ इमरान भाई खड़े हैं, इमरान भाई की सारी एफर्ट्स हैं, ये सारा टीम वर्क है, कंप्यूटराइज सारा जो है अपना पेपर चेकिंग है सारा। 1 मिनट के अंदर 40 पेपर जो है आपको रिजल्ट जो है आपको प्रोवाइड हो जाता है, तो वो 1 घंटे के अंदर तमाम टेस्ट चेक करके हमने प्रोवाइड भी कर दिया। और अब आगे का जो आपने पूछा है दानी भाई, आपने बड़ा अच्छा, क्योंकि मैंने देखा, मैंने कहा इतनी जल्दी टेस्ट जो है वो चेक भी हो गया, तो फिर मुझे ख्याल आया जो लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं तो वो ऐसे ही थोड़ी कमा रहे हैं, तो उसके जो टूल्स हैं वो आप लोग चूंकि तो उस्ताद लोग हैं तो आप लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। बच्चों को यही चीज़ आपने सिखानी है कि आप दुनिया जो है वो शॉर्ट होती चली जा रही है, तो आपने अपने काम जो है वो बड़े शॉर्ट कर दिए हैं, शॉर्ट टाइम में अच्छा काम, तो ये सारा हो गया। ये मुझे बताइएगा कि अब जो थर्ड टेस्ट होगा वो गालबन कोई मुहर्रम के बाद करने जा रहे हैं, 10 मुहर्रम के बाद या फिर 40वें के बाद? नहीं नहीं, 10वें के बाद, 10 मुहर्रम के बाद करने जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है सिक्योरिटी इश्यूज हैं। हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट पहले भी आई थी कि जी आप इसको मुहर्रम के बाद कर लें, लेकिन अब जो है आज जो टेस्ट हुआ उसके बाद हम 10 मुहर्रम के बाद जो है अनाउंसमेंट करेंगे टेस्ट की। और जहाँ तक की बात आपने की ना IT कोर्सेज की, शॉर्ट कोर्सेज की, देखें बड़ा मैं क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ कि हर बंदा अपनी फाइनेंशियल कंडीशन इस वक्त फील कर रहा है, जो क्राइसिस है इस वक्त, अगर आपको घर बैठे काम मिल रहा है तो वो सिवाय, आप मुझे बता दें IT के कौन सा काम है जो आपको घर बैठे काम मिल रहा हो? तो यही सारा विजन है सरजिया का, मौलाना बशीर फारूकी साहब का, जो गवर्नर इनिशिएटिव कामरान खान टिशोरी साहब ने लिया, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इनिशिएटिव है जिसमें 5 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सक्सेस जो है ना, ये टेस्ट नहीं, हमारी सक्सेस ये होनी चाहिए कि हम इधर से बच्चे को पढ़ाएं, कामयाब करें और बच्चा अर्न करे, जो कामरान खान टिशोरी साहब ने वादा भी किया कि इंशाल्लाह ताला बच्चा 15 से 20 लाख रुपए कमाएगा। तो ये सारा जो IT एजुकेशन प्रमोट करने की वजह है वो सारा। लोग देखते हैं गवर्नर साहब से बड़े करीब होते हैं, हम लोग वीडियो बनाते हैं, लोग कहते हैं आप तो इतने गवर्नर साहब से करीब हैं तो हमें भी IT में पहले करवा दें, तो जरा लोगों को बताइएगा, जो हमारे जानने वाले लोग हैं वो ये समझते हैं कि शायद हम कोई झूठ बोल रहे हैं, ये बिल्कुल शफाफ तरीके से, बिल्कुल कोई पर्ची नहीं लगी जिसमें जो है वो पर्ची लगा के जो टेस्ट में बैठ जाएं या टेस्ट में क्लियर हो जाएं या फिर क्लासेस में जो है वो पहले आ जाएं, क्या तरीकेकार है थोड़ा सा ये बता दीजिएगा। अच्छा देखें, आपने जो बात की है ना, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि मैं खुद इस सिस्टम की प्रोडक्ट हूँ, मैं खुद यहाँ से पढ़कर एक मिडिल क्लास फैमिली से ऊपर आया हूँ, तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि पर्ची वाला सीन तो यहाँ है ही नहीं। जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसी के हिसाब से आप यहाँ पर आएंगे, टेस्ट देंगे, कंप्यूटराइज्ड सारा पेपर चेकिंग है, कोई ये नहीं है कि मैं हाथ से कर रहा हूँ तो मैंने आपको मार्क्स बढ़ा दिए, सारा कंप्यूटराइज है, तो इसमें कोई किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कोई फलां से फोन करा दे, फलां से फोन करा दे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये आखिरी सवाल मैं करूँगा दानियल भाई, ये जो ऑनलाइन कोर्सेस होते हैं ये सीखने के बाद किस तरीके से लोग अपने पैसे जो है वो जनरेट करते हैं, थोड़ा सा बताइएगा ताकि लोगों को जहनों में पता तो चले कि यार ये सिर्फ बातें ही नहीं है। देखें, बात हमेशा सच्ची करनी चाहिए, ये जो कोर्सेज है ना इसमें ड्रॉप आउट होता है, क्योंकि बच्चा आता है वो कहता है समझ में नहीं आ रहा, मुश्किल है। देखें, हमेशा हर चीज मुश्किल तब तक है जब तक आपने नहीं की। आज आप अपना डिजिटल मार्केटिंग वगैरह कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे सारी, वो अब मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि मेरी वो फील्ड नहीं है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो आपके लिए डेवलपमेंट मुश्किल है। तो कहने का मकसद ये है, अभी जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, और आपने जो पैसों की बात की, आप मुझे बताएं, हम तो यहाँ कोई मेहनत नहीं कर रहे, खड़े हैं मजदूर बाहर, जो 1100 रुपए दिहाड़ी पर काम कर रहा है वो पूरा दिन मजदूरी कर रहा है, हमसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, लेकिन इशू क्या है, इशू है डायरेक्शन। हमें दुनिया में उस स्टेज पे जाना है जो सबसे डिमांडिंग टेक्नोलॉजीज हैं, तो यहाँ पे जो हम ऑफर करते हैं कोर्सेज AI, Web3, मेटावर्स, वो बिल्कुल जो है ना कटिंग एज टेक्नोलॉजीज है, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज है। मतलब तीन बड़े कोर्सेज हैं भाई, और उन तीन कोर्सेज को अगर मार्केट में अमूमन तौर पर आप सीखने जाए तो अच्छा खासा जो है वो पैसे जनरेट करते हैं। भाई से बात करते हैं, भाई बड़ा शुक्रिया, हम तो हैरान हो गए, मैंने पता नहीं कितने इन्विजिलेटर आपने किस तरीके से ये सारा गेम घुमा दिया कि अब ये बच्चे सारे जो टेस्ट दे रहे हैं ये आप 1-2 घंटे में उनके रिजल्ट बाहर कर देंगे। ये जदीद टेक्नोलॉजी का कमाल है,
और सरदार की सुपरविजन का सरदार से हमने सीखा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हमने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया, खुद डिज़ाइन किया, और वो सॉफ्टवेयर इस तरह है कि एक घंटे एक मिनट के अंदर 40 और एक घंटे में तकरीबन 1800 से 2000 बच्चों का रिजल्ट चेक होता है। 10000 बच्चों का 5 घंटे के अंदर रिजल्ट 100% परसेंटाइल के साथ आ जाता है। यार आप तो बड़े एक्सपर्ट हो, ये हम देखते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 9 मैट्रिक क्लास और ये कॉमर्स में या फिर मास्टर में चले जाएँ, बैचलर कर लें, इनके जब रिजल्ट अनाउंस होते हैं तो दो दो तीन तीन महीने लग जाते हैं और इंतजार करते हैं पता नहीं कब रिजल्ट आएगा। तो अगर आप लोगों को मौका दिया जाए ये इनके जो टेस्ट के जो रिजल्ट नतज को अगर आप अपने कस्टडी में लें और इसको जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अगर करना चाहें तो क्या आप उसी वक्त ही उसी घंटों में उसको चेक कर सकते हैं, क्या इतनी महारत है उसमें? अभी जो इस स्टेज पे आपके साथ खड़े हैं गवर्नर हाउस के, यहाँ पर हम वॉलंटियर कर रहे हैं और हमारी फोर्स हमेशा रेडी रहती है। अगर किसी भी यूनिवर्सिटी को कोई हेल्प चाहिए हम लोग तैयार हैं और हम लोग उनको पूरी गाइडेंस भी देंगे किस तरह किया जा सकता है। अगर वो हमारे थ्रू चेक करवाना चाह रहे हैं तो हमसे भी रابطہ कर सकते हैं। सरदिया की टीम की तमाम मैनेजमेंट मेरे पास होती है, मैं प्रेसिडेंशियल के प्रोग्राम के अंदर जनरल मैनेजर की पोजीशंस पे जॉब कर रहा हूँ और इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, फैसलाबाद और पेशावर तमाम जो ऑपरेशन है उसको मैं मैनेज कर रहा होता हूँ। और किसी भी किस्म से जो रابطہ होता है हमारे नंबर्स PIIC की वेबसाइट पर मौजूद हैं, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने देखा कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा है। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर भी खड़े हुए हैं यहाँ पे, इनसे बात करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर साहब, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर साहब, माशाल्लाह से बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने। जब भी डेवलपमेंट की बात होती है तो सैफुररहमान साहब का नाम बड़ा सारे फहरिस्त रहता है, चूँकि किडनी हिल पार्क की अगर बात करूँ शहर कराची के, वो पार्क जो बंजर थे उनको आबाद करने में बड़ा अहम किरदार रहा। सैफुररहमान साहब माशाल्लाह से गवर्नर साहब के इनिशिएटिव को आप किस तरीके से देखते हैं, IT इनिशिएटिव जो लेने जा रहे हैं, ये 10,000 बच्चों के पीछे टेस्ट हो रहे हैं, बड़ी जल्दी रिजल्ट भी नतज भी अनाउंस हो रहे हैं, तो पहली बार तारीख में ऐसा काम होने जा रहा है। एक एक गवर्नर साहब ने जहनों की आबियारी करना चाहते हैं और वो अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहते हैं, वो मौके देना चाहते हैं यंग जनरेशन को जिसकी दुनिया को ज़रूरत है। जो मार्केट अगर हम देखें तो वहाँ पे जो डिजिटल वर्ल्ड के लोग हैं वो बहुत आगे हैं, यहाँ पे ज़ाहिर माश के भी बहुत ज़राए हैं। तो गवर्नर साहब का ये एम है कि बच्चों को वो मौके दिए जाएँ, वो तालीम दी जाए जो मार्केट में जिसकी ज़रूरत है। तो एक टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह वो हो चुका है, 10,000 के से ज़्यादा बल्कि बच्चे आए थे, आज भी 10,000 के करीब बच्चे आए में लड़के लड़कियां सारे आप देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा और इसमें से जो बेहतरीन बच्चे सेलेक्ट होंगे इंशाल्लाह उनको बेहतरीन तालीम दी जाएगी जो पूरी दुनिया में उनके काम भी आएगी और इससे वो रोज़गार भी कमा सकते हैं। आखिरी सवाल मैं करूँगा, अभी कौंसल जनरल भी यहाँ पर आए तो उन्होंने कहा था कि बच्चे यहाँ पर जो सीखेंगे उनको वीज़ा भी हम देंगे, उनको रोज़गार भी हम देंगे। आप तो चूंकि खुद भी ब्यूरोक्रेसी का ऐसा रहे तो आप क्या समझते हैं ये बच्चे निकलेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो बाहर मुल्क उनको जो है वो जाना पड़े, बल्कि पाकिस्तान के लिए ही वो अपनी खिदमत अगर अंजाम दे और उनको अच्छा रोज़गार अगर उनको मिल जाए तो मेरे ख्याल है निज़ाम पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा उन बच्चों के आने से और बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। देखिए ऑनलाइन अपने तमाम जो पयूद थी ज्योग्राफी की वो तोड़ दिए, लोग अपने मुल्क में रहकर खुश दिली से अपनी फैमिली के साथ रहकर तमाम काम करते हैं। इसमें एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है, वो आप लैपटॉप पे अपने कंप्यूटर पे आराम से तमाम चीज़ें कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगर बहुत अच्छा कोई रिसोर्स है तो फिर ज़रूर जाएं बाहर, वरना अपने मुल्क में अपने लोगों के साथ रह के तरक्की करें। बहुत शुक्रिया जी सैफुररहमान साहब, इस वक्त साबिक एडमिनिस्ट्रेटर हमारे साथ मौजूद थे। बच्चों के टेस्ट जो है वो कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, अब टेस्ट भी जो है वो ख़त्म हो गए और बच्चे जो है वो अब निकलना शुरू हो गए और बहुत जल्द इंशाल्लाह इनके जो नतीजे वो आना शुरू हो जाएंगे और तीसरा टेस्ट 10 मुहर्रम के बाद जो है वो स्टार्ट होगा। जो होगा उसके मुताबिक हम आपको जो है वो अपडेट रखेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।